अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट। तो कोरिया में कौन कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं मोस्टली, और मैं कौन से करती हूँ, और बताऊँगी मैं आपको आज 24 के गोल्ड सीरम के अबाउट, और रिव्यू दूँगी उसका कि कैसा है वो जी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी अपनी उन चीज़ों की जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। ये टोनर है जी, ये 3W क्लिनिक का टोनर है और ये कोरियन ब्रांड है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये टोनर। और इसी की जो है वो यूज़ करती हूँ जी मैं क्रीम, और ये इसी की ही 3W क्लिनिक की इमल्शन वाइट क्रीम है। ये डेली बेसिस पे ही ये भी मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है जी। कहीं बाहर जाना हो या आफ्टर बाथ आफ्टर फेस वॉश मैं ये क्रीम यूज़ करती हूँ, बहुत ही मज़े की है। और ये इसी की वाइटनिंग क्रीम है, ये भी बहुत ही मज़े की है, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत ही सॉफ्ट करती है ये, ड्राई नॉर्मल ऑयली हर स्किन के लिए बहुत अच्छी है। कोरियन ब्रांड तो वैसे ही पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, इन कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कोरियन सीरम, कोरियन मास्क वैसे ही पूरी दुनिया में फेमस है, लोग बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड करते हैं। तो क्यों ना हम लोग तो कोरिया में रहते हुए इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते। हाँ, ये स्किन अगर आपकी डेड हो रही है, बहुत ज़्यादा स्किन मुरझा गई है, तो आप अगर ये प्रोडक्ट डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, एक ये क्रीम है, ये भी तकरीबन कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, मोस्टली तो नहीं, लेकिन ये है कि ये भी कोरिया का ही ब्रांड है, तो डेली बेसिस पे तो ये यूज़ नहीं कर पाती, लेकिन ये है कि कभी कभी ये भी यूज़ हो जाती है, ठीक है जी। इसके बाद जो है ये बाकी की कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, ये इन पुरानी, ये भी इन कोरिया का ही ब्रांड है। इस ये भी आप देखें कि अक्सर आपने देखा होगा कि कोरियन की स्किन इतनी क्यों ग्लो कर रही है, इतनी शाइन क्यों उनकी स्किन में होती है, ये वजह है कि वो स्किन केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, वो डे एंड नाइट अपने बिजी रूटीन में से टाइम निकाल के उन्होंने अपनी स्किन केयर ज़रूर करनी होती है डेली। उन्होंने क्लींजिंग, मास्क, स्क्रबिंग, एवरीथिंग, मतलब जो है ना इनके, सब कुछ वो करते हैं। तो ये भी चंद चीज़ें हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छी, और बहुत ही कह लें कि इनका रिज़ल्ट अच्छा है। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं हम ये 24 के गोल्ड सीरम की। वैसे तो ये पाकिस्तान में भी था, मैंने देखा था, लेकिन क्या है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ओरिजिनल चीज़ अभी पहुँचती नहीं है मार्केट में, कि उस पहले उसकी कॉपी पहुंच जाती है। वहाँ पर मैंने देखा तो उसकी कॉपी थी, लेकिन ये जहाँ ये कोरिया का है, और इसका मैं कहती हूँ कि रिज़ल्ट कमाल है, स्किन ऐसे ग्लो करता है, स्किन से डर्ट, और बहुत बहुत इसकी स्मेल जो है वो बहुत वंडरफुल है। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताती हूँ कि ये कैसे काम करता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और ये हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस टाइम यूज़ करना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं जी। अच्छा जी, तो ये जो सीरम है ये बहुत ही कमाल है, बहुत स्मूथ और सिल्की है, और इसके जो गोल्ड फ्लेक्स हैं, ये जो आपको अंदर छोटे छोटे गोल्ड फ्लेक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, ये आप स्किन के ऊपर जैसे इनको रब करते हैं तो ये स्किन को बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाते हैं, और जो इसकी स्मेल है वंडरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नॉट टू स्ट्रॉन्ग, एंड बिलीव मी, जब से मैंने ये खुद अप्लाई किया है I feel my skin soft and smooth। अच्छा जी, तो अब मैं बात करती हूँ कि ये जो सीरम है ये करता क्या है। इसमें ऐसे एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है कि ये स्किन में से ऐसे रेडिकल और स्किन सेल्स में से ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि बाज़ाहिर हमें नज़र नहीं आते हैं, बाज़ाहिर तो हमें अपनी स्किन बहुत ज़्यादा लग रही होती है, हाँ जी जी स्किन तो हमारी ठीक है, क्या है स्किन को, बस वैसे ही कलर थोड़ा डल हो गया ये वो, लेकिन नहीं, स्किन के अंदर ऐसे हार्मफुल कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते, लेकिन अगर ये आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो इसका रिज़ल्ट मैं कहती हूँ आप खुद ही देखेंगे, कमाल कमाल रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 24 की गोल्ड सीरम है ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है कि नहीं। अच्छा, जैसा कि मैं आपको पहले से भी बता चुकी हूँ कि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी स्किन के डर्ट को अच्छे से क्लीन करते हैं, ठीक है जी। तो 24 गोल्ड सीरम जो है ये ऑयली स्किन के लिए अच्छा है कि नहीं जी, तो ये बहुत ही गुड है एवरी स्किन के लिए, ये स्किन को आपको मॉइस्चराइज करता है एंड ब्राइट करता है, और स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है, और यही नहीं कि आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो भी करता है, और स्किन को बहुत अच्छे से नरिश भी करता है, ठीक है जी।
इट्स बेस्ट फॉर एंटी एजिंग, अगर आपकी एज 30+ है तो आई रियली रिकमेंड इट, इट्स गुड 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 फॉर योर स्किन। ये आपकी स्किन से रिंकल्स और आपकी स्किन अगर जैसे इकट्ठी होना शुरू हो गई है, झुर्रियाँ आ रही हैं, सब कुछ ख़त्म कर देगा और बहुत बहुत ही कमाल से दर्द देगा आपको। करना क्या है जी, आपने जस्ट रात को सोने से पहले अच्छे से अपनी स्किन क्लीन की क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग करने के बाद आपने 3 से 4 ड्रॉप लेने हैं और अच्छे से स्किन पे टैप टैप मकड़ के पूरी स्किन पे अप्लाई कर लेने हैं। साथ साथ थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई कर लीजिएगा। तो आपने सोच जाना है ये अच्छे रिजल्ट के लिए। अगर हाँ, अगर आप डे में भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि डे में सीरम कम ही यूज़ करना चाहिए। सीरम यूज़ करके धूप में आपको बिल्कुल नहीं जाना होता है, क्योंकि जब धूप सीधी डायरेक्ट आपके फेस पे पड़ती है तो इट्स हार्मफुल फॉर योर स्किन। ओके, और 24 के गोल्ड सीरम जो है ये जो आपकी फाइन लाइन्स है इनके अगेंस्ट फाइट करता है रिंकल्स एंड लीव योर स्किन मॉइस्चराइजर एंड ग्लोइंग। और अच्छा जी, तो अब इस बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। तो इसकी जो प्राइस है इधर कोरिया में $175, बहुत अच्छा और कमाल रिजल्ट है। क्यों, अच्छी चीज़ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अब अगर हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे। अच्छा जी, तो अब बहुत से क्वेश्चन होंगे कि क्या हम सीरम डेली यूज़ करते हैं। यस ऑफकोर्स, बिल्कुल कर सकते हैं जी आप। मैंने जब आपको बताया कि अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो रात को स्किन अच्छे से क्लीन करके तो अप्लाई कीजिए और रिजल्ट देखिए, कमाल रिजल्ट आपको मिलेंगे जी। तो ये थे मेरे रिव्यूज़, क्योंकि ये मैंने खुद यूज़ किया है। स्किन के ऊपर से जो एक्ने के बाद आपके हल्के हल्के स्पॉट आ जाते हैं वो भी बिल्कुल आपके साफ़ कर देता है। लेकिन लेकिन इसकी शर्त है ये है कि आपने इसको डेली रूटीन में यूज़ करना है और कम से कम 1 मंथ लगातार यूज़ करना है, फिर आप इसके रिज़ल्ट देखिएगा कि क्या कमाल आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़।